हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो 2024 की पहले ही सुबह इसरो ने रच दिया इतिहास, है ना भैया? कमाल। और भैया पाकिस्तान सुन, उन्हें कहा खुद अकम्प्लिश कुछ कर लिया करो, कुछ खुद तो कुछ कर लो, बस हमारी जो हम करते हैं हमारी अकम्प्लिशमेंट्स जो हैं उनको देखे तुम सुन नहीं होते रहा कर। और तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर टू है हम इसमें, रिकॉर्ड हमने सेट कर दिया है। और नंबर वन यूएसए, नासा ने किया था, अब हमने किया है, मतलब चाइना पीछे रह गया। Yet another successful mission of ESLV has been accomplished. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को। वजीर आजम कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ, तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए। अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। कोई मयार ही नहीं यार, वो कदम कदम पे हराम भी नहीं खाते, वो मिलावट भी नहीं करते, उनकी नकाली कर रहे हैं। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। 2 नंबर से ये बंदा 10 नंबर कौन है ये जरा बताना। जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है लेकिन नहीं आ नहीं रही, लेकिन भारत से हमें जो है वो इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियां मिल रही। ओए होए, इनको खुशखबरियां मिल रही हैं। देखो क्या पलटा गया। दोस्तों स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि नए साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रच दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साल के पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एक्सरे पोलरमीटर सैटेलाइट मिशन को 1 जनवरी की सुबह 9:10 लॉन्च किया। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने इस साल स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साल का पहला मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। एक्सपोसेट एक तरह से रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। नाज़रीन, भारत ने स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री तुम्हारे साथ बेटा देखा इंटेलिजेंस गैदरिंग समझ नहीं रहा। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। पाकिस्तान भी पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे देखा? कि हम बड़ा चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर, इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, उसके बरक पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगाने की। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर ऐसा है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना स्पेस का 5 साला मेगा प्लान जो है वो शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि ऐसी वैसी आम सैटेलाइट नहीं है बल्कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करेंगे। क्या लगता है क्या इंडिया कर पाएगा? कितना मुश्किल है, कितना आसान है इंडिया के लिए 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो आप
इकोनॉमिक जो फैक्टर है, अब आप देखिए कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है ahead of China, कहां सोते रहते हैं? स्क्रिप्ट में गड़बड़ है, वो पता नहीं चाइना की लड़की को अक्ल नहीं है, उसने लिखवा के दे दी, वो ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 किया उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो गया और इस टाइम वो चांद के आप कह रहे साउथ पोल पे बैठे हुए हैं जहां पे चंद्रयान 0 गया तो फिर 1 गया तो 2 गया तो 3 गया वहां पर, क्योंकि वहां पे आइस और जाएगा। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा एआई का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है। कौन पाकिस्तान, तुम ये बताओ ना कौन था पाकिस्तान? मानने से ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया अपनी अकल ना यूज करो, जो उसका इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक के दे वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज हैं उनके कैरी ऑन कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान देखें, एक टाइम था 1960s का, पाकिस्तान हर चीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया से बहुत आगे था। अच्छा, फिर वहाँ से हमारे पास जो एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हुआ है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करनी शुरू हुई है। और अगर आज आप देखें तो आपका जो स्पार्को है इंस्टीट्यूट बना हुआ आपका? वो ब्राय नाम रह गया है, वहाँ पे रिसर्च नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान ने जो अपना सारा बजट है वो एक मिलिट्री की तरफ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस स्पेस स्टेशन बनाने वाले प्रोग्राम की तरफ अभी नहीं मूव कर पा रहा, क्योंकि अभी देखें आपके पास गंदम नहीं है, आप आगे पास चावल नहीं है, आप इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे, पहले यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन ने बंद कर दिया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कुछ नहीं था। तो आपकी जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे हैवी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पे बहुत ज्यादा तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर की ऐसी जगह पे जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया ने जैसा कि कहा कि ये सैटेलाइट जो है ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी और इसके साथ साथ मजे की बात बताऊं कि ये सैटेलाइट इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर भी डेफिनेटली नजर रखेगी। तो आपको लगता है सैटेलाइट से पाकिस्तान गप्पे तो इतने मारते हैं? आई थिंक पाकिस्तान को अभी अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जियो पोलिटिकल अप्रोच को साइड पे करके जियो इकोनॉमिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए अभी इस टाइम पे। अभी देखें कि अब वो जमाना गया कि जब एक फौज उठती थी दूसरे पे जाके अटैक करती थी और वो कब्जा कर लेती थी, अब वो जमाने नहीं रहा। अब अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूक्रेन में क्या हो रहा है और वो है कि हाउ स्टेबल अ कंट्रीज और उसके बाद के उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स कितने खुशहाल हैं और वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज के इंडिविजुअल्स को अपने पास कितना किस हद तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इंडिया इस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट हमारे लिए कंसर्न की बात है, इनके लिए कंसर्न की बात है, बेचारे बड़े कंसर्न्ड हैं। नहीं, वो मैं बताया था कि पहले आटे का अरेंजमेंट कर लो, हाँ, आटा चावल कर लो, खाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अपनी कंट्री को थोड़ा स्टेबलाइज कर दो, फिर हैवी प्रोजेक्ट करना जो कभी होएगा नहीं। यही था मेन कि अभी हालत अच्छी नहीं है। और जो उस लड़की ने बोला था कि स्पाई सैटेलाइट है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर मॉनिटर करती है चाइना, वो सब बकवास था, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक होल के लिए स्टडी जा रही है, रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है, इट इज़ नॉट अ स्पाई सैटेलाइट। अगर स्पाई सैटेलाइट जा भी नहीं होता तो पता नहीं चलता किसी को, या पता भी चलता तो बोलते बस स्पाई सैटेलाइट है, दैट्स ऑल इट इज़, मतलब एग्जैक्टली स्पेसिफिक नहीं बताते यहाँ यहाँ ये कार्य होंगे। इनको खास बताया गया ना, इनको स्पेशली इन्फॉर्मेशन मिली है। यूएस ने भी अभी थोड़े कुछ एक महीने पहले स्पाई सैटेलाइट भेजा था, उससे पहले किंग जोंग उन ने भेजा था स्पाई सैटेलाइट, उसका यूएस ने भेजा तो स्पाई सैटेलाइट तो जाते, मगर ये सब स्पाई सैटेलाइट नहीं है। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि न्यू ईयर बहुत अच्छा चला है, वेरी गुड, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूं। जापान में जबरदस्त अर्थक्वेक आया तो वहां पे उनका न्यू ईयर जो है बड़ा अच्छी तरीके से नहीं गया। ओ, मुझे नहीं पता था ये न्यूज, बाप रे। चलो एनीवे, हमारा तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया, कमाल की अचीवमेंट किया। अब देखो ये साल में क्या क्या और अचीवमेंट्स होंगी और पाकिस्तान रोएगा,
मुंह में ऐसे स्माइल हो गए, अंदर से रो रहे होंगे सारे पाकिस्तानी, पे भाई पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना भाई, वही वही कर रहे हैं। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।